गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लेसन 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज डी कंप्लीट करेंगे, इसकी कंपोजिशन विजन। पेज नंबर 21 सब लोग अपने अपने बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 21 में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ फ्रेंच न्यूज़पेपर डिस्क्राइब अल्फ्रेड नोबल इज इन मिस्टेकन ऑब्जरी एज थस द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल Who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before dead yesterday? फिर क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द न्यूज़ पेपर वॉज राइट टू डू सो, गिव योर रीज़न। क्या आप ये कह सकते हैं, मतलब ये सोच सकते हैं कि जो वो न्यूज़ पेपर था उसने ऐसा सही किया था, और उसका कोई रीज़न दीजिए। तो उसका लिखेंगे आंसर हम लोग एक्सरसाइज डी का। क्या है हमारा लेसन 3 पेज नंबर 21 पेज 21 एक्सरसाइज डी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यस द न्यूज़पेपर Yes, the newspaper was right to do so. तो जो न्यूज़पेपर ने किया वो सही था, जो छापा गया था, because the explosives he invented, जो explosive इन्वेंट किया था उन्होंने, इन्वेंटेड हमारा इन्वेंटेड वर यूज्ड नॉट ओनली फॉर डिमोलिशिंग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स बट ऑल्सो for manufacturing bombs and ammunition which could Could millions of people as so many wars around the world have प्रूफ। तो जो उन्होंने इन्वेंट किया था एक्सप्लोसिव्स, वो सिर्फ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स जो थे उसको सिर्फ डिमोलिशन के लिए नहीं था, लेकिन बल्कि उससे क्या होता, जो बॉम्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग्स है उससे होता, और विच कुड मिलियंस ऑफ पीपल एज सो मैनी वॉर्स अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी वॉर्स होते जो लड़ाइयाँ होती। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज डी देखते हैं। एक्सरसाइज डी कंप्लीट हो गया, ई देखते हैं। लैंग्वेज विजन पेज नंबर 21। कॉमन नाउंस आर कॉमन नेम्स, कॉमन नाउंस हैं जो कॉमन नेम होते हैं।
वाइल प्रॉपर नाउन आर स्पेशल नेम्स, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो एक स्पेशल नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, जो बॉय है वो एक कॉमन नाउन है, कोई भी बॉय हो सकता है. बट मयंक इज़ अ स्पेशल नेम, तो मयंक जो है किसी का नाम हो गया मयंक, तो एक स्पेशल नेम है. सिमिलरली डॉग इज़ अ कॉमन नेम, डॉग है जो एक कॉमन नेम है. ऑस्कर इज़ अ स्पेशल नेम, किसी डॉग का नाम ऑस्कर है, कोई टॉमी रखता है. तो इसी तरीके से जो ऑस्कर हो गया, किसी को जो पर्टिकुलर नाम दे दिया गया तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. उसके बाद में एक्सरसाइज है, नाउ गिव प्रॉपर नाउन्स टू द फॉलोइंग कॉमन नाउन. ये कॉमन नाउन दिए हुए हैं, इसको हमें प्रॉपर नाउन देना है. तो फर्स्ट दिया हुआ गर्ल, तो एक्सरसाइज ई में गर्ल है, तो गर्ल का हम क्या करेंगे, फर्स्ट है एक्सरसाइज ई करते हैं, एक्सरसाइज ई फर्स्ट में क्या दिया है, गर्ल, गर्ल है. तो गर्ल का कोई क्या कहते हैं, हमें प्रॉपर नाउन नेम देना. तो कोई किसी भी गर्ल का नेम लिख देंगे हम यहाँ पे, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया साधना. नेक्स्ट दिया हुआ इसमें फ्रेंड, तो फ्रेंड हम अपने किसी भी फ्रेंड का नेम लिख देंगे, तो फ्रेंड हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, जानवी. सोल्जर दिया हुआ है यहाँ पे, तो किसी एक सोल्जर का नाम लिख देंगे हम, क्या लिख दिया हमने, कैप्टन राहुल. फिर है डॉग, डॉग का एग्जांपल तो हमें दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब हमने रीड किया था, तो किसी डॉग का भी नेम यहाँ पर्टिकुलर नेम देना है हमें, तो हमने डॉग का नेम दे दिया यहाँ पे ऑस्कर. उसके बाद में देखते हैं पेज नंबर 21 में और दिया हुआ है, बॉय है, बॉय के बाद है डॉक्टर, फर्स्ट लेटर सब लोग कैपिटल में ही करेंगे. टूथपेस्ट, टूथ पेस्ट, उसके बाद क्या है, हॉर्स. पेज नंबर 21 ही अभी कर रहे हैं हम लोग. तो बॉय, कोई बॉय है, मोहन लिख दिया हमने, जरूर मोहन लिख दिया नेम. किसी डॉक्टर का नाम लिखते हैं, हमने क्या लिख दिया, डॉक्टर आर के शर्मा, डॉक्टर आर के शर्मा, किसी का भी नाम लिख देते हैं. टूथपेस्ट लिखना है हमें, तो टूथपेस्ट कोई भी लिख दो हम, हमने लिख दिया दंत कांति, आप लोग कोई भी लिख देना चाहिए ही लिख देना. हॉर्स है, तो हॉर्स का कोई नाम लिखते हैं, हमने क्या लिख दिया, सिकंदर, हॉर्स का नाम हो गया सिकंदर. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पेज नंबर 22 पे आते हैं, तो यही क्वेश्चन क्या दिया है, मोबाइल फ़ोन. तो मोबाइल फ़ोन, किसी मोबाइल फ़ोन का नेम देना है तो हम कुछ भी लिख देते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का हमने क्या लिख दिया, मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन का लिख दिया हमने रेडमी, रेडमी एप्पल जो आपको लिखना है वो लिख दिया. देखिए फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया हुआ है, तो किसी बिल्डिंग का नाम हम लिख देते हैं, ट्रेड टावर लिख दिया हमने, आप किसी भी बिल्डिंग का नाम लिख दीजिए, ट्रेड टावर. रिवर है, तो रिवर हम कोई भी रिवर का नाम लिखते हैं, हमने लिख दिया यमुना, यमुना. सिटी है, तो किसी भी सिटी का नाम लिख दो, हमने लिख दिया दिल्ली. उसके बाद में इसमें दिया हुआ है बुक पूछा है, तो किसी बुक का नाम देना है, बुक है यहाँ पे, मैं इसी में कर दे रही हूँ, बुक है, इसमें करते हैं, चलो बुक है, तो बुक है 1857 स्पार्क ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन. उसके बाद में एक लास्ट में बचा हुआ है टीचर, टीचर है, तो टीचर किसी भी टीचर का नाम लिख दो, मिस.
ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज जी। ई कंप्लीट किया हमने और डी कंप्लीट किया है। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड विजन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे है क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग करेंगे हम। फर्स्ट है मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स से हमें उसको मैच करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहला है कम्प्लिस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अचीवमेंट, सी मीनिंग हो जाएगी। डिमोलिश है सेकेंड, तो ये हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय। फिर उसके बाद में है हमारा डंबफाउंडेड, तो इसका हो जाएगा हमारा सरप्राइज्ड। फोर्थ है, ये नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम देखते हैं फोर्थ प्रोबेबली है तो हमारा क्या हो जाएगा, परहैप्स ये हो जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग मतलब तो बहुत अच्छा होता है, तो आउटस्टैंडिंग का क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट। फिर दिया है लास्ट का है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक ही बचा है हमारा, तो वो हो जाएगा आफ्टर डेथ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसमें दिया हुआ ऐड द क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सोन एज द प्रैक्टिस टू स्पीक। ठीक है, क्वेश्चन टैग इसमें लिखना है हम लोग को, फर्स्ट एज ऑलरेडी डन यू विल अटेंड द वेडिंग टुमारो, क्या तुम करोगे, तो उसको कुछ तरीके से क्वेश्चन टैग करेंगे हम। उसमें दिया वोंट यू, क्या तुम करोगे वेडिंग, तो उस तरीके से करना है। सेकेंड में भी मैंने कर दिया है शी विल कम हेयर टुमारो, तो यहाँ पे वोंट शी, यहाँ से विल है तो विल से हमने वोंट ले लिया, शी हो गया। उसके बाद में विल है तो वोंट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे है इस थर्ड है दे विल स्पीक टू यू, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, दे है तो वो विल है तो वोंट दे और क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है द स्टोरी बुक इज गुड, स्टोरी बुक इज गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अगर ही शी इट आई वी दे यू नहीं है अगर, तो हम यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इज है ही, तो इजेंट इज एंड इट क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है ही रोट आ लेटर, ही रोट आ लेटर, तो रोट सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्थ में, डिडेंट, डिडेंट एंड यहीं पे रहेगा डिडेंट ही। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें सिक्स्थ है, सिक्स वाला देख लेते हैं हम, सिक्स्थ में क्या है, सिक्स इसमें कर रही हूँ मैं। सिक्स्थ है यू शुड स्पीक पोलाइटली, तो शुड है तो स्टूडेंट यू हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा है, सिक्स्थ है, ठीक है सिक्स्थ अभी कर रहे हैं हम लोग, पहले सेवन कर लेते हैं, सेवन देखते हैं। सेवन्थ है आई एम वर्किंग हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम वर्किंग हार्ड, तो ये हो जाएगा हमारा आरेंट, आरेंट यहाँ पे एम नहीं लेंगे हम, आरेंट आई, इसको आप लोग जो कर लेंगे इसको। एट्थ में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द डॉग बिट द विजिटर, बिट बाइट का, तो ये क्या हो जाएगा, डिड डिडंट इट, ये हो गया हमारा कंप्लीट ये एक्सरसाइज। सेवन्थ वाला सिक्स वाला हमारा रह गया, तो सिक्स वाला मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है यू शुड स्पीक पोलाइटली। सिक्स का देख लेते हैं, सिक्स में दिया हुआ था, ये सिक्स में था यू शुड स्पीक पोलाइटली, तो इसमें शुड था, ये हो जाएगा
स्टूडेंट योग, योग हमारा सिक्स का अभी हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर थ्री। हम मैथ्स टाइम पे फोर चैप्टर करेंगे। सारी एक्सरसाइजें आप लोग कॉपी में कर लेंगे। पेज नंबर 21 और 22 आज मैंने करवाया है लेसन थ्री का। कंप्लीट चैप्टर हो गया आप लोग का। आप लोग जब भी पढ़ाऊँगा बैठ के आप लोग को, तो आप लोग अपनी बुक भी साथ में लेकर बैठेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जितने भी वर्ड्स हैं वो क्लियरली आपको दिखाई देंगे, तो आप लोग को भी समझ में अच्छे से आएगा।